दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब से केसरी का फर्स्ट लुक और 2.0 का टीजर रिलीज हुआ है, तब से बॉलीवुड गलियारों में ये खबर तेजी से आ रही है कि नंबर वन की कुर्सी अक्षय कुमार ने हथिया ली। लेकिन ये नंबर वन की कुर्सी अक्षय कुमार कब तक अपने पास रख पाएंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बॉलीवुड के तीनों खान यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, ये नंबर वन का सिंहासन अक्षय कुमार के पास ज्यादा समय तक रहने नहीं देंगे। क्योंकि एक तरफ जहां शाहरुख खान जीरो लेकर आ रहे हैं, वहीं आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि तीनों खान मिलकर ये साजिश रच रहे हैं कि नंबर वन की कुर्सी इनमें से सिर्फ किसी एक के पास रहे और किसी स्टार के पास ना जाए। अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, तो 2.0 के टीजर में तो अक्षय एक ऐसे लुक में नजर आ रहे हैं जिसे देखकर लगता है वो हॉलीवुड के एक्शन फिल्मों की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि अक्षय कुमार ने इस फिल्म में ऐसा लुक दिया है जो हिंदी सिनेमा में पहले कभी किसी ने नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखने को मिली है। जब किसी कलाकार की इंटरनेशनल लेवल से तुलना की जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो स्टार ऑलरेडी नंबर वन की कुर्सी पर बैठ चुका है। क्योंकि अगर आप गौर से अक्षय कुमार को देखें तो उनकी आने वाली जितनी भी फिल्में हैं, चाहे वो सारा गाड़ी पर बेस्ड केसरी हो या फिर कंचना 2, सभी फिल्मों में अलग लुक में नजर आएंगे। अभी हाल ही में केसरी का जब फर्स्ट लुक जारी किया गया था तो यकीन ही नहीं होता कि अक्षय कुमार है। आमिर खान ऐसा लुक पाने के लिए जहां एक साल लगाते हैं, वही अक्षय कुमार यूं चुटकियों में ऐसे लुक को अपना लेते हैं। वो किसी भी कैरेक्टर में बहुत आसानी से ढल जाते हैं और हर लुक को अपना भी लेते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये नहीं कि कौन बड़ा सुपरस्टार है और कौन छोटा, सिर्फ एक्टर्स के उस स्टारडम की बात कर रहे हैं जो अभी रिलीज किए गए पोस्टर और टीजर के आधार पर फिल्मी गलियारों में बहस का मुद्दा बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो आमिर पैसों के मामलों में नंबर वन है, तो कहीं रोमांस के मामले में शाहरुख खान नंबर वन है, हरफल मौला के नाम पर सलमान खान नंबर वन है, तो वही इंटेंस के मामले में हमारे अजय देवगन नंबर वन पर है। लेकिन इनकी सारी खूबियां अब अक्षय कुमार में नजर आने लगी है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी वही दिख रहा है जो फिल्मी गलियारों में चल रही है? कमेंट करके बताएं और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।